हम लोग अपना डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का अगला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। हम लोग डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का अपना आज का चैप्टर कर रहे हैं। ये हमारा पूरा डिस्कशन हिंदी में रहेगा और आज के चैप्टर में हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले भी हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस किया है, बट आज भी हम लोग इस पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा और डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है। पहली चीज आपको याद रखनी है, जो इसके पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया, चाहे बार ग्राफ बनाया या फिर हमने लाइन ग्राफ बनाया, जो भी हमने ग्राफ्स बनाए वो सारे ग्राफ्स ऐसे थे जिसमें हमने एक्स और वाई दो पैरामीटर्स का यूज किया। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता कि एक्स की वैल्यू 3 है और 5 है, तो मान लीजिए एक्स की दो वैल्यूज है हमारे पास 3 और 5, और वाई की दो वैल्यूज है हमारे पास 8 और 9। तो इस पे अगर हम एक फिर हमने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को अब इंपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसके पहले हमने मैटप्लॉटलिब से बाकी ग्राफ बनाना डिस्कस किया है और हम लोग ने अपने चैनल पे एक्सेस लेवल लेजेंड ग्रिड का लास्ट वीडियो और डेटा एनालिसिस ट्यूटोरियल का पूरा वीडियो, ये हम लोग ने वीडियोस डाले हैं। इसके अब तक हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं और अब हम लोग ये चौथे पार्ट को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप पहले एक्स और वाई, मान लीजिए आपके पास कोई दो डेटा है, ये एक्सेल के दो कॉलम हो सकते हैं, एसक्यूएल के दो कॉलम हो सकते हैं किसी टेबल के, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT, इसको आप करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मैट प्लॉट लिब की पाई प्लॉट लाइब्रेरी है वो आपके पास आ जाती है और फिर आप PLT से अलग अलग तरीके के ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं PLT डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, तो इस तरीके से एक लाइन चार्ट जो है बन जाएगा, राइट। ये लाइन चार्ट क्या दिखाएगा कि एक्स की वैल्यू 3 के लिए वाई की वैल्यू 8 है और एक्स की वैल्यू 5 के लिए वाई की वैल्यू 9 है। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरीके से आप इसी में PLT डॉट स्कैटर भी लिख सकते हैं। तो स्कैटर क्या करेगा, स्कैटर ग्राफ बना दे, यानी कि आपके जो ये देखिए दो स्कैटर पॉइंट्स बना दे। अगर सपोज कीजिए हम डेटा में 3.6 और 4.2 मान लीजिए दो नए पॉइंट्स जोड़ देते हैं और फिर वाई में भी दो नए पॉइंट्स जोड़ देते हैं, मान लीजिए 8 है, 8.2 है और 8.7 और फिर 9। तो इस तरीके से हमने हम एक्स और वाई में बदला, यानी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हमने ये किया। तो अब हम इसको रन करने के बाद फिर हमने अगर इसको प्लॉट किया तो आप देखेंगे कि हमें और पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये जो बुलेट्स आ रहे हैं, ये जो स्कैटर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं PLT डॉट स्कैटर से और ये जो आपकी लाइन आ रही है ये आ रही है PLT डॉट प्लॉट से। यहाँ तक क्लियर है आयुष? ये आप लोगों को आज करके देख लेना, ठीक है, और इसको आप करिएगा और बताइएगा कि यहाँ तक क्या दिक्कत है। इसके आगे आपको पता होगा हम लोग ने और भी बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, जैसे कलर है, ठीक है, मार्कर है, स्टाइल है। जैसे कलर इज इक्वल टू रेड, तो जो हमारा ग्राफ है वो सारे ग्राफ हमारे ब्लू कलर में रहेगा, यानी जो जो लाइन ग्राफ है वो ब्लू कलर में रहेगा और जो स्कैटर पॉइंट्स हैं वो सारे रेड कलर में आ जाएंगे। इस तरीके से हम किसी पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया PLT डॉट ग्रिड, तो आप देखेंगे इन डेटा पॉइंट्स में कुछ ग्रिड भी बन के आ जाएंगे। इन ग्रिड के थ्रू आपका ग्राफ और ज़्यादा डिटेल लगेगा और लाइक आप समझा पाएंगे और इन पॉइंट्स को आप एक्चुअली में समझ भी पाएंगे। लाइक ये दिख रहा है कि ये 4.25 से ज़रा सी कम है और 8.6 और 8.8 के बीच में आता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग हिस्टोग्राम को डिस्कस करते हैं।
मान लीजिए हमने बीपी यानी ब्लड प्रेशर या किसी भी चीज़ का एक डेटा ले लिया और वो डेटा हमारी एक लिस्ट के फॉर्मेट में है, तो ये हमने गिटहब के रेफरेंस से एक वहाँ पे एग्जांपल था उसके थ्रू हमने ये डेटा ले लिया। अब ये एक लिस्ट है, इसमें हमने लेट से कुछ एन नंबर ऑफ लोगों का बीपी नापा और ऐसे लिख लिया, तो ये क्या है, ये एक सिंगल वेरिएबल है। जैसे मैंने कहा अभी तक हम लोग जो वर्क कर रहे थे वो हम डबल वेरिएबल्स पे वर्क कर रहे थे, एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से। इसी में आप इवन बार ग्राफ को भी लिख सकते हैं, और तो बार में भी आप देख रहे थे लाइक plt.bar ऐसे आप लिख रहे थे, तो बार में भी आपको दिख रहा था कि आप एक्स और वाई देते हैं जिससे आपका एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। अब बार से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट बार का कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पूरा सीखा। बट सपोज कीजिए कि आपका एक कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक वेरिएबल है उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं और हम लेंथ ऑफ बीपी से जान जाएंगे कि कितने वैल्यूज है, 13 वैल्यूज है। सो 13 वैल्यूज पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने जाना कि इतने ये सबके बीपी हैं कुछ 13 लोगों के, तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है उसे कहते हैं plt.hist, ओके। और ये हिस्ट जो होता है इसमें हम एक ही वेरिएबल देते हैं लाइक बीपी, ऐसे दे दिए। आप इस ग्राफ को जब बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, और ये हिस्ट क्या है, हिस्टोग्राम का शॉर्ट है, ओके। हिस्ट मीन्स हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमें दिखाता है एक न्यूमेरिकल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारा जैसे 80 से शुरू हुआ और 150, तो वो क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी उसको स्टार्टिंग रेंज पे रखेगा, और इसमें से लिस्ट में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको एंड रेंज पे रखेगा, और फिर ये जो बार की हाइट है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 का मतलब है कि 80 से 90 के बीच में 3 वैल्यूज आई हैं। 90 से 100 के बीच में एक वैल्यू आई है, 110 से 120 के बीच में एक वैल्यू आई है, 130 के ऊपर दो वैल्यू हैं, और 140 और 150 के बीच में भी दो वैल्यू हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वही दिखा रहा है, ओके। आप देख रहे हैं लाइक 135 की एक वैल्यू है, ठीक है, 150 की, 149 की। सो ये आपको एक ये दिखाता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलिंग विद इन दैट रेंज, वो जो एक बड़ी रेंज को छोटे छोटे ग्रुप्स में ये डिवाइड कर देता है। इन ग्रुप्स को हम बिन्स भी कहते हैं, ये हम लोगों ने टैबलो के समय भी सीखा था, ये बिन होते, और यहाँ बिन का साइज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला बाइनरी नहीं, बिन का साइज होता है, बिन या ग्रुप। तो जैसे 80 से 90, 90 से 100, तो 10 10 के ग्रुप बन गए, आप समझ पा रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बन गया, और ये बिन, ये इसका पहला पैरामीटर है। तो अब इसके और पैरामीटर्स को समझते हैं। पहले आयुष बताओ, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो हिस्टोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है हिस्ट। अब जैसे हमने ये विड्थ ले लिया और यहाँ पे देखिए 80 और इस तरीके से लिखा हुआ है, अब हम फिर से लिखते हैं लाइक plt.hist, और जो हमने बीपी या जो भी हम लेते हैं वो ले लिया, और एक और पैरामीटर होता है आर विद, ठीक है, और हमने ये देखा। तो अब देखिए इसकी विथ जो है आपकी वो कम है, ठीक है, ये 0.8 कर दी, हम इसको 0.5 कर देते हैं, ठीक है, हम इसको, तो ये आप आरबिट को अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। इससे जो ये आपके बार्स बन रहे इनकी जो विड्थ है वो आपकी आपके इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो ये matplotlib.org यानी आप ऑर्ग जो भी बोलना चाहिए, ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ पे आप जैसे हिस्टोग्राम का देख रहे हैं, ओके। तो हमने क्या लिखा है plt.hist,
तो हमने इतनी सी, ये जो पूरी मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट है इसे पीएलटी बोला है। तो यहाँ पे आपको इसके सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, लाइक एक्स इज इक्वल टू क्या है, बिन क्या है, रेंज क्या है, तो इतने सारे जो है यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा देखिए इस तरीके से बना के कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए होते हैं, तो इसमें आप इन सबको जो है ट्राई कर सकते हैं। और अभी मैं जैसे इसका यूज भी दिखाता हूँ, जैसे आर विथ है, द रिलेटिव विथ विथ ऑफ द बार्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ बिन इफ नन ऑटोमेटिकली कंप्यूट द विथ। ओके, सो ये आर विथ हमने जैसे 0.8 कर दी, तो लेट लेट से कि वो अगर पहले 100% थी तो अब 80% हो गए। अगर हमने 0.5 लिख दी, तो यानी कि अगर पहले 100% थी तो ये अब 50% हो गई विथ। ये चीज समझ रहे हैं? लेकिन देखिए ओरिजिनली ये ग्राफ काफी थिक था, रहे आप देखिए कितना पतला हो गया। ये चीज क्लियर है? ठीक यस सर। है। और आप लोग क्या कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस इस वीडियो के बाद, जैसे आप इसके ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इन सब पैरामीटर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हिस्ट टाइप है, तो जैसे डिफॉल्ट हिस्ट टाइप बार है, ओके। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हिस्ट टाइप, तो ये जो हिस्ट टाइप है इस पैरामीटर की वैल्यू जो भी हम देंगे तो उससे ये बदलेगा। जैसे अगर हमने लिख दिया, हम इसी में से एक वैल्यू उठा लेते हैं, लाइक बार स्टैक, ओके। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे बार स्टैक और रन करेंगे इसको, तो ये आपका इस टाइप का डेटा आ जाएगा, ठीक है। हमारे केस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, बट ये आप इसकी वैल्यूज अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे हम स्टेप लिख देते हैं, तो जो कोई ये अब देखिए इस स्टेप के केस में आप देख रहे हैं कि एक तरीके का खाली आउटलाइन आ रहा है, ओके। और हर हर एक पैरामीटर जो यहाँ पे हम बदलेंगे वो आप बदल सकते हैं। आप जैसे ये स्टेप फील्ड, तो आप लोग अपने एंड से ये भी ट्राई करते रहिएगा, स्टेप फील्ड वापस से वही बन जा रहा है जो है। तो ये एक इनका अपना पैरामीटर है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे बिन्स कहते हैं, ठीक है। तो बिन्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बिन्स कितने हैं। अभी हमें दिख रहा है नंबर ऑफ बिन्स यहाँ पे, ये आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, पर मान लीजिए मैंने कह दिया बिन्स इज इक्वल टू 4, ओके। तो अब देखिए क्या होता है, तो अब इसने 4 बिन बना दिए, 1 2 3 4। अभी हमें दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हमने आर विथ यानी रिलेटिव विथ को हम खाली क्या कर देते हैं 0.9, ताकि हमें वो विथ जो बिन्स है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे। तो ये देखिए और कम करके देखते हैं, 0.8। क्या हो गया इसमें? मे बी ये स्टेप की वजह से हो रहा है, इस पैरामीटर को हम हटा देते हैं। तो अभी वो कितना है, बिन्स 4 है, 1 2 3 4। हम कहते हैं कि हमें 2 बिन में दिखाओ सारा, तो 2 बिन आ गए। यानी कि बिन मतलब है कि जो डेटा को वो ग्रुप करेगा, ग्रुप का मतलब ये कि उसने रेंज बनाई थी 80 से 150, तो उसने कहा कि 80 से 110 के बीच में 8 लोग आ रहे हैं और 120 से 140 के बीच में 5 लोग आ रहे हैं। इसे हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम है। और अब हम जैसे कहते थे बीन्स इज इक्वल टू 20, तो वो और ज्यादा डिवाइड कर देगा, इससे आपको और ज्यादा डिटेल में दिखेगा कि किस पर्टिकुलर रेंज में कितने लोग हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग यहाँ यस पे सर। कुछ पैरामीटर्स आपको लगा के दिखाएंगे, जैसे कलर वलर ऐसी चीज है कि जो आप आराम से खुद लगा सकते हैं।
वो आप टेस्ट कीजिएगा। जैसे कलर मैंने जी लिख दिया वो ग्रीन हो गया। तो जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है, PLT डॉट एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सिस पे आने वाला लेबल, मान लीजिए हमने कह दिया बीपी लेवल, बीपी की वैल्यू है। PLT डॉट वाई लेवल इज नंबर ऑफ पेशेंट्स, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स इस पर्टिकुलर लेवल में आ रहे हैं, और टाइटल हमने कुछ लिख दिया बीपी चार्ट या जो भी। और फिर हम जब हिस्टोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि जो बिन्स है उनका साइज हमने डिफाइन कर दिया कि पहला 80 है, दूसरा 100 है, तीसरा 125 है, चौथा 150 है। ठीक है, कुछ ऐसा हमने नापा कि लो है और सही है, माइल्ड हाई है, वेरी हाई है, ऐसा कुछ हम नाप सकते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। और कलर इसका हमने ग्रीन रखा है। अब जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो आप देखिए क्या हुआ, जो जीरो और वन था उसको लेके एक बन गया, फिर वन टू टू था उसको लेके दूसरा बिन बन गया रेंज, और टू टू थ्री जो था पोजीशन उसको लेके तीसरा बिन बन गया। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये दिख रहा है कि ये जो लोग हैं करीब 6 लोग ऐसे हैं जिनका लेट्स से कि रेंज लो है। अभी हम इस वेरिएबल के हिसाब से नाप लें, और 100 से 120 है जिनका उतने 2 लोग हैं, और जिनका हाई की रेंज में है उनका उतने 4 लोग हैं। तो 4 लोगों का हाई की रेंज में है, 6 लोगों का लो की रेंज में, और 2 लोगों का मिड रेंज में। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे बस आपको याद रखना, अगर आपने कह दिया कि बिन इज इक्वल टू 4, एक इंटीजर पास कर दिया, या बिन इज इक्वल टू 20, तो वो उतने नंबर ऑफ बिन्स बना देगा। पर आपने अगर एक लिस्ट दे दी, बिन में एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा, वो इस तरीके की एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, सो अब हमें फिर एक गिटहब के थ्रू एक सोर्स मिला, तो हम लोगों ने ये 2 लिस्ट बना ली। ओके, इसमें ब्लड शुगर मैंने और ब्लड शुगर विमेन। ओके, तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास अब 2 हिस्टोग्राम बन सकते हैं। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम हिस्टोग्राम बनाते तो एक ही वेरिएबल होता है, पर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं जिनका मतलब सेम है, बट पहले वाले हम लोगों ने सपोज कीजिए कुछ एन नंबर ऑफ पेशेंट्स का डेटा लिया जो सारे मेन थे जिनका जेंडर मेन था, और ये ब्लड शुगर विमेन, ऐसे करके हमने डेटा को निकाल लिया। इस तरीके से अगर आपके पास डेटा आता, अब आपको देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, देखना है कि किस तरीके से मेन और विमेन का डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड शुगर का इस पर्टिकुलर डेटा सेट में। तो पहले तो आप वैसे ही लिखेंगे PLT डॉट हिस्ट, और यहाँ पे आप पहले लिख देते हैं ब्लड शुगर मेन, ये पहला ग्राफ बन गया। और यहाँ पे आप आर विथ इज इक्वल टू 0.8 ऐसे लिख देते हैं, तो ये एक आपका ग्राफ बन गया। और इसी को ही कॉपी हम कर लेते हैं और दूसरे वाले में ब्लड शुगर विमेन कर देते हैं, और देखते हैं अब क्या होता है। तो अब हमने 2 ग्राफ बनाए, तो आप देखिए किस तरीके से ऑरेंज और जो रेड है, ऑरेंज और ब्लू है, वो आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अगर आपको यस हम लोग का पहला वीडियो याद है तो हम लोगों ने उसमें लेजेंड की बात की थी, राइट। कि अभी इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑरेंज वाले कौन से लोग हैं और ब्लू वाले कौन से, राइट, कि ऑरेंज वाले मैंने कि ब्लू वाले मैंने, ये चीज समझ रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेबल देते हैं, अपने ग्राफ को लेबल देते हैं और लेजेंड को ट्रू करते हैं। अब हम इसी ग्राफ को एक दूसरी तरीके से बनाएंगे। तो एक तरीका तो ये कि आप इस तरीके से PLT डॉट हिस्ट इस
और PLT डॉट हिस्ट दो बार लिख दीजिए, ठीक है। एक और तरीका ये है कि आप लिखे PLT डॉट हिस्ट, जो हिस्टोग्राम का शॉर्ट है, और एक आप लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट में आप यहाँ पे पहला वाला जो आपका डेटा है, लाइक ब्लड शुगर मेन, ऐसे लिख दीजिए, और इसी लिस्ट में जो दूसरा वेरिएबल है वो लिख दीजिए ब्लड शुगर वीमेन। ये चीज क्लियर है? यस सर। और आप यहाँ पे बीन्स को वैसे ही डिफाइन कर दीजिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, लाइक पहला हमने लगाया 80, ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, तो 80, 100, 125, 150, आपकी मर्जी है आप जो लगाना चाहें। तो अभी पहले इतना बनाते हैं, तो ये देखिए क्या रहा। तो इस तरीके से भी हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हमने किस सीक्वेंस में रखा है, पहले मेन को रखा है फिर वीमेन, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे लेबल्स इज इक्वल टू उसी सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मेन और यहाँ पे लिख दिया वीमेन, ठीक है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारा सीक्वेंस जो था, और हम लोग ने इसीलिए पढ़ा था, लिस्ट जो है ऑर्डर्ड है, तो वो यहाँ से देख लेगा कि ऑर्डर में जीरो पे कौन है, वन पे कौन है, और यहाँ से जीरो पे और वन पे कौन है, और फिर उसी हिसाब से लेबल वो मैच कर देगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए PLT डॉट लेजेंड, ओके। अब ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे एक्चुअली लेबल लिखते क्योंकि लेबल होता है वो, क्योंकि हम दो लिख रहे थे इसलिए वहाँ पे कंफ्यूजन हुई। सो अब यहाँ पे देखिए लेबल ऐसा हुआ, तो ये जो है देखिए एक तो रेंज बनी, ठीक है, फिर 80 से 100, 100 से 120, 120 से 150। अब आपको दिख रहा है कि उस रेंज में मेन कितने आ रहे और वीमेन कितनी आ रही। सो ऐसे पढ़ेंगे कि 80 से 100 के बीच में 6 मेन आ रहे और 4 वीमेन आ रही, 100 से 120 के बीच में 2 मेन आ रहे और 4 वीमेन आ रहे, एंड सो ऑन। क्लियर है ये? और इवन आपको अगर इनके कलर अपने हिसाब से देने, जैसे हमने कहा कलर इज इक्वल टू, और हम जो वेबसाइट हमेशा यूज करते हैं HTML कलर कोड्स या जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट है, तो अभी हम लोग यहाँ से दो कलर ले आते हैं, तो एक हम लोग मान लीजिए ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर इज इक्वल टू, पहला कलर ये है, तो ये कलर किसको जाएगा बता सकते सीक्वेंस में, ये किसको जानना चाहिए? मेन को, राइट। पहला वाला क्योंकि सीक्वेंस में मेन है और दूसरा वाला ये, और कलर की ये जो वैल्यू है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, इसलिए इनको हमें पहले तो सिंगल या डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ये कलर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद हुआ और जो हिस्ट का राउंड ब्रैकेट है वो अब बन गया। तो इस तरीके से अब ये एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट बना जिसमें हमने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और उनकी वैल्यूज को यूज किया, मगर इस तरीके से आप जो है अपने ग्राफ को जो है कस्टमाइज कर सकते, तो अब वो अपने आप आ गया। और अब एडिशनली आप चाहते हैं तो इसके लाइक PLT.x लेबल आप दे सकते हैं। तो x लेबल में हमारे है ब्लड शुगर लेवल, अभी मैं पूरा लिख नहीं रहा, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप ऐसा एक्सरसाइज y एक्सिस और इन सब पे ले सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट हिस्टोग्राम प्लॉट्स। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक डिस्कस किया, आगे चल के जब हम लोग पैंडास को पढ़ेंगे और पैंडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम करेंगे, तो पैंडास लाइब्रेरी के बाद हम लोग बहुत सारे और भी तरीके के ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पे भी यही इस्तेमाल होगा कंसेप्ट,
मगर इसका जो बेसिक चीज ये है कि वहां पे हमारे पास जो डेटा होगा वो टैबुलर होगा, और अभी हम लोग जो डेटा पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो डेटा हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि किसी अभी ये लिस्ट से डेटा उठा ले, और आगे चल के हम लोग इम्पोर्ट पेंडाज एसपीडी करके फिर किसी एक्सेल फाइल से या सीएसवी फाइल या जेसन फाइल से डेटा उठा के लाएंगे। इज इट ओके? यस सो आज आप लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक हम लोगों ने लाइन, बार, स्कैटर, हिस्टोग्राम इतनी चीजें डिस्कस की है। पाई भी बड़ा सिंपल है, पाई के केस में हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेंगे, उसमें हम पाई को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आप करके इसको आप ट्राई करिए, और आप यहाँ पे एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने दो अलग अलग लिस्ट ली है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक डिक्शनरी ले लीजिए, उसमें मेन और विमेन की अलग अलग डिक्शनरी ले लीजिए, उसके थ्रू रीड कर लीजिए। तो ये आप करके पूरा दिखाइए, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो शेयर कीजिए हमारे साथ। और इस तरीके के ट्यूटोरियल के लिए, और ये जो ट्यूटोरियल हम अभी कर रहे हैं इसको आगे आप इसके बारे में नोटिफिकेशंस रिसीव करते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आप इस टाइप के वीडियोस और एक्सप्लोर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।